हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मोनिका सोर फ्रॉम एम ई इंटरनेशनल स्कूल नया गाँव। टुडे वी विल बी डूइंग द थर्ड चैप्टर ऑफ सिविक्स, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्ट टू। यस, बिल्स एंड देयर टाइप्स। नाउ लॉ इज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ अ बिल। जो भी लॉ पास होती है पार्लियामेंट से, उसको एक्चुअली उसका नाम दिया गया है बिल। बिल पास होता है ये। बिल्स आर द प्रपोजल्स दैट आर डिबेटेड ओवर इन द पार्लियामेंट। द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ओनली व्हेन बिल्स आर पास बाय बोथ द हाउसेज। द बिल देन रिक्वायर्स द प्रेसिडेंट्स असेंट टू बिकम अ लॉ। द टू टाइप्स ऑफ बिल्स आर ऑर्डिनरी बिल्स एंड मनी बिल्स। अब ये जो पार्लियामेंट, जब दोनों हाउस उस बिल को पास करते हैं और प्रेसिडेंट का कंसेंट मिल जाता है, मतलब प्रेसिडेंट उसको हाँ कर देता है, तभी जाके ये बिल पास होता है। अब दो तरह के बिल होते हैं, एक तो ऑर्डनरी होता है और एक मनी बिल होता है। ऑर्डनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन ईदर ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। वंस पास बाय बोथ द हाउसेज एंड अप्रूव्ड बाय प्रेसिडेंट, इट बिकम्स अ लॉ। ऑर्डनरी बिल क्या होता है, ये जो है दोनों हाउसेज में इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट की, और ये जब पास हो जाता है, दोनों हाउस उसको पास कर जाते हैं और प्रेसिडेंट उसको अप्रूव कर देता है, तो वो लॉ बन जाता है। देन मनी बिल। मनी बिल इज कंसर्न विद द इनकम ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। मनी बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। आफ्टर थ्री रीडिंग्स इन लोकसभा द बिल इज सेंट टू राज्यसभा। राज्यसभा कैन मेक सजेशंस टू इट। इट इज देन सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर इज कंसेंट बिफोर इट बिकम्स अ लॉ। यहाँ पर मनी बिल जो होता है वो एक्चुअली एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट कितना एक्सपेंड कर रहा है कोई भी प्रोजेक्ट में या कोई उसके बारे में होता है, और ये बिल जो है वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, और तीन रीडिंग्स होती हैं लोकसभा में, उसके बाद वो बिल राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा उसमें थोड़े से सजेशंस देता है, कुछ चेंजेस करता है, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट जब उसको हामी बता है, यस बोलता है, देन ओनली इट बिकम्स अ बिल। पासिंग अ लॉ। अ बिल is first introduced in either house of the parliament except for money bills. It has to be passed by both houses in order to become a law. अब जो ये बिल है पार्लियामेंट एक्सेप्ट, मनी बिल के अलावा जो भी दो बिल हैं वो जो पास होते हैं दोनों हाउसेज में से पास होते हैं, तभी वो लॉ बनता है। वंस इंट्रोड्यूस्ड इट अंडरगोज थ्री रीडिंग्स इन इंट्रोडक्शन, अ डिस्कशन एंड वोटिंग। द बिल इज देन सेंट टू द सेकेंड हाउस वेयर अ सिमिलर प्रोसीजर इज फॉलोड। अब ये जो बिल है जब डिस्कस होता है, वोटिंग होती है, दोनों हाउसेज में उनको वोट देते हैं, और वो जो अगर वोटिंग ज़्यादा मिली है देन ओनली द बिल विल बी पास एंड मेक अ लॉ। लॉ ऐसे ही नहीं बन जाती, कोई भी लॉ जो बनती है, किसी भी तरह का जो एक्ट पास होता है या जो बनता है ना, वो सिर्फ यहाँ पर जो उनके सजा उनके जो डिस्कशंस है और वो लोग जब अप्रूव करते हैं दोनों हाउसेज, देन ओनली इट बिकम्स अ लॉ। प्रेसिडेंट उसको कंसेंट देता है तब। इफ द सेकेंड हाउस पासिस द बिल इट इज सेंड टू द प्रेसिडेंट। हाउएवर इफ द सेकेंड हाउस डज नॉट अप्रूव द बिल इट कैन नॉट बिकम अ लॉ। अगर दूसरा हाउस, कोई सा भी एक हाउस उसको रिजेक्ट कर देता है, तो वो लॉ नहीं बन सकता। अ डेडलॉक अराइजेज इफ नो प्रोग्रेस कैन बी मेड। इफ द गवर्नमेंट इज कीन ऑन गेटिंग द बिल पास, इट इनवाइट्स अ जॉइंट साइट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। द बिल इज अगेन डिस्कस एंड पुट टू वोट। इफ द प्रेसिडेंट गिव्स हिज असेंट द बिल बिकम्स अ लॉ। अब ये इसमें कभी कभी अटक जाता है, कोई भी जैसे राज्यसभा उसको अप्रूव ही नहीं करेगी, वो बोले मैं नहीं मानती हूँ, आपने जो लॉ बनाया हमें नहीं मानना, तो वो रिजेक्ट कर देती है, तो वो वापस डिस्कस करते हैं, वापस उसके लिए वोटिंग होती है, और फिर फाइनल जब वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, वो उसको कंसेंट देते हैं, फिर वो लॉ बन जाता है, फिर उसको कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता। ही मे रिटर्न द बिल टू द पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन विथ हिज रिकमेंडेशंस आफ्टर रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट पासिस। अब वापस रिकंसिडरेशन, अगर पार्लियामेंट उसको पास कर देता है, फिर कोई भी हाउस उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अब तो वोट दे दिए गए और उसको पास कर दिया गया है। In India, the president has several veto powers with regarding to passing a bill. The president can refuse to give assent, which constitutes an absolute veto. अब president कभी कभी मना भी कर सकते हैं, अगर उनको समझ में नहीं आ रहा ये बिल को, तो बोलेंगे नो, वापस आप डिस्कस करके बताओ, ये मुझे समझ में नहीं आया, तो वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। प्रेसिडेंट कैन सेंड द बिल बैक टू द पार्लियामेंट फॉर चेंजेस विच कॉन्स्टिट्यूट्स अ लिमिटेड वेटो दैट कैन बी ओवररिडन बाय अ सिंपल मेजॉरिटी। द प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो टेक नो एक्शन इनडेफिनेटली ऑन अ बिल, समटाइम्स रेफर टू एज अ पॉकेट वेटो। अब कभी कभी थोड़े बहुत चेंजेस के लिए वो वापस उसको भेज सकते हैं, और वो बोल भी सकते हैं, मतलब उसको डिले भी कर सकते हैं थोड़ा सा, तो ये उनका राइट है। एग्जीक्यूटिव, वी नो दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ नॉमिनल हेड एंड द रियल पावर्स एक्सरसाइज बाय द। अब देखो, प्रेसिडेंट जो है वो तो नॉमिनल हेड है, मेन पावर्स किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास। अब प्रेसिडेंट का रोल क्या है, प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ही इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज दैट इंक्लूड्स इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स। प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है, जो इलेक्टेड मेंबर्स दोनों हाउसेज के हैं वो,
और पार्लियामेंट जो ये लेजिस्लेटिव असेंबली है वो इलेक्ट करती है इनको. ही प्लेज अ पिवोटल रोल एंड परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस यूजिंग द पावर्स गिवन टू हिम. अब ये कोई ऐसा इंपॉर्टेंट रोल जो फंक्शंस उसको दिए वही उसके जो उनकी पावर्स के अकॉर्डिंग वो वर्क करते हैं. प्रेसिडेंट के पास मेन पावर्स तो प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं. एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट मस्ट बी एक्सरसाइज इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन. प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स. प्रेसिडेंट का रोल क्या होता है, ही अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर और दूसरे जो मिनिस्टर्स हैं उनको वो अपॉइंट करते हैं. ही शी अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. ये वाले जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो भी प्रेसिडेंट करते हैं. जैसे कि ही अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भी इंडिया. द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द इलेक्शन कमिश्नर, द चेयरमैन ऑफ मेंबर्स ऑफ द UPSC, द गवर्नर्स ऑफ स्टेट, चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द फाइनेंस कमीशन, इन सबको प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं. लेजिस्लेटिव पावर्स, प्रेसिडेंट कैन समन और एंड अ सेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा. प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो जो ये सेशन चल रहा है पार्लियामेंट में वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, वो उनकी पावर है. ही शी कैन समन अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. वो दोनों हाउसेज को बुला के वो समन दे सकते हैं कि आके बैठो, डिस्कस करो एंड रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट विच यू आर हैविंग अमंगस्ट यू. ही शी कैन नॉमिनेट 12 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा विथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अकम्पलिशमेंट्स इन लेजिस्लेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस, एंड 2 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी. ये जो है वो नॉमिनेट प्रेसिडेंट कर सकते हैं. प्रेसिडेंट्स प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ परमिशन इज नीडेड फॉर इंट्रोडक्शन सम टाइप्स ऑफ बिल्स इन पार्लियामेंट. कुछ बिल्स जो हैं पार्लियामेंट में पास करने के लिए प्रेसिडेंट की उनको हाँ बोलना ज़रूरी है. दे हैव टू कंसिडर, द प्रेसिडेंट हैज़ टू कंसिडर दैट. प्रेसिडेंट कैन गिव और विथहोल्ड हिज असिस्टेंट असेंट टू अ बिल और रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन इन द पार्लियामेंट इफ इट इज़ नॉट अ मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. इनमें से अगर 2 बिल नहीं हुए तो प्रेसिडेंट वापस से रिकंसिडरेशन करने के लिए पार्लियामेंट में बिल को भिजवा सकते हैं अगर उनको वो समझ में नहीं आ रहा तो. फाइनेंशियल पावर्स, अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट ओनली विद द प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन. मनी बिल सिर्फ प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पर ही पास हो जाता है. प्रेसिडेंट लेज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज द यूनियन बजट बिफोर द पार्लियामेंट. यूनियन बजट जो है पार्लियामेंट के सामने प्रेसिडेंट रखते हैं. डिप्लोमेटिक पावर्स कौन सी है, इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स आर साइन ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट के बिहाफ पे ही इंटरनेशनल ट्रीटीज जो साइन होती है, एग्रीमेंट्स साइन होते हैं, वो उनके कंसेंट से ही साइन होता है. हाउएवर दे आर सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट. पर ये अप्रूवल किसका होता है, पार्लियामेंट का ही होता है. President represents India in international forum and affairs and may send and receive diplomats. Military powers क्या होती है, President is the commander in chief of the Indian armed force. President जो है वो commander in chief है Indian armed force के. And President can declare war and conclude peace subject to parliament's approval. प्रेसिडेंट कभी भी वॉर डिक्लेयर कर सकते हैं, ही हैज़ द राइट टू डिक्लेयर वॉर और पीस भी बोल देते हैं. वो बोल भी सकते हैं कि नहीं, कब वॉर वगैरह नहीं होगी, पर अगेन पार्लियामेंट्स अप्रूवल इज़ नेसेसरी. प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ्स ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स. प्रेसिडेंट जो है वो जो भी चीफ्स हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के वो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं. जुडिशियल पावर प्रेसिडेंट की क्या होती है, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ द यूनियन जुडिशरी एंड अदर जजेस ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस. चीफ जस्टिस के एडवाइस पे प्रेसिडेंट चीफ यूनियन जुडिशरी को अपॉइंट करते हैं, जजेस को अपॉइंट करते हैं. एंड प्रेसिडेंट कैन डिसमिस जजेस इफ द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट पास रेजोल्यूशंस टू दैट इफेक्ट. प्रेसिडेंट जजेस को डिसमिस भी कर सकते हैं अगर दोनों हाउसेज राज्यसभा लोकसभा उनको डिसमिस कर दे, उनको रिजेक्ट कर दे, तो वो उनको हटा भी सकते हैं. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन ग्रांट पार्डन टू रिड्यूस द सेंटेंस ऑफ अ कन्विक्टेड पर्सन फॉर 1 टाइम, पर्टिकुलरली इन केसेज ऑफ कैपिटल पनिशमेंट. कैपिटल पनिशमेंट के टाइम पे प्रेसिडेंट जजेस को बोल सकते हैं कि आप उनको रिलीज कर दो, 1 टाइम उनको आप छोड़ दो, उनको छूट दे दो. ये उनको प्रेसिडेंट कर सकते हैं. प्रेसिडेंट एंजॉयज जुडिशियल इम्यूनिटी विच मीन्स दैट नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट हिम हर ड्यूरिंग द टर्म ऑफ सर्विस. सर्विसेज के टाइम पे उनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं होनी चाहिए, ये भी प्रेसिडेंट कंसिडर कर सकते हैं. एमरजेंसी पावर्स क्या है, द प्रेसिडेंट में प्रोक्लेम अ स्टेट ऑफ एमरजेंसी इन द होल और पार्ट ऑफ इंडिया इफ ही शी फील्स दैट द सिचुएशन हैज अरिजन इन विच द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री माइट बी थ्रेटन्ड. अगर अपनी कंट्री की सिक्योरिटी को कोई हार्म है, कोई थ्रेटन कर रहा है अपने, तो वो उस टाइम पे प्रेसिडेंट एमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं.
type of emergency that can be declared by the Indian president are described below. State emergency, it is declared when there is failure of constitutional machinery in a state. Agar koi constitutional machinery in state mein kuch problem ho jati hai, tab president apna state emergency declare kar sakte hai. National emergency, it can be declared at the time of war, armed rebellion or external aggression. कोई भी वॉर की सिचुएशन हो रही हो या आर्म रिबेलियन कुछ ऐसा सिचुएशन टेररिज्म की सिचुएशन हो रही है तब प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं. फाइनेंशियल इमरजेंसी इट कैन बी डिक्लेयर्ड इफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री इज थ्रेटन. अगर अपनी कंट्री फाइनेंशियली वीक हो रही है या कुछ बहुत मेजर प्रॉब्लम हो रही है तब वो फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं. प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन थ्योरी द प्राइम मिनिस्टर सिलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट सिलेक्ट कर रहे हैं लेकिन पूरा जो हाउएवर द यूजुअली द नॉर्म्स इज दैट द प्रेसिडेंट इनवाइट्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द पार्लियामेंट टू फॉर्म द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. मेजॉरिटी जो पार्टी है जो जीती है उसमें से वो इन्वाइट करते हैं मेजॉरिटी पार्टी को और वो पार्लियामेंट फॉर्म करने का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर्म करने बुलाते हैं. इन इंडिया द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर इज इट्स हेड एल इज रियल एग्जीक्यूटिव. रियल एग्जीक्यूटिव कौन है इंडिया में? प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. द प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द एडवाइस. प्रेसिडेंट को तो उनके एडवाइस पे एक्ट करना होता है. द पार्लियामेंट मेंटेन्स अ कंटिन्यूस कंट्रोल ओवर द वर्किंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. पार्लियामेंट कंटिन्यूसली जो उनका वर्किंग है किस तरह से कर रहे हैं वो गलत कुछ कर तो नहीं कर रहे वो पूरा ध्यान रखते हैं. प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. ही शी परफॉर्म्स मेनी सिग्निफिकेंट फंक्शंस इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम. ऑल दो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड विद मेनी एग्जीक्यूटिव पावर्स इन एक्चुअल प्रैक्टिस ही शी एक्ट्स ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. प्रेसिडेंट को भले ही बहुत सारी पावर्स है बट प्राइम मिनिस्टर के बोलने के अकॉर्डिंग ही वो एक्ट करते हैं तभी वो उसको फाइनलाइज करते हैं. द प्राइम मिनिस्टर कैन चेंज द मेंबर्स ऑफ कैबिनेट एट एनी टाइम बाय डिमांडिंग अ मिनिस्टर्स रेजिग्नेशन और हैविंग हिम डिसमिस्ड बाय द प्रेसिडेंट. प्राइम मिनिस्टर उनको कैबिनेट के कोई भी मिनिस्टर को डिसमिस कर सकता है. प्रेसिडेंट को बोल सकता है कि आप उसको हटाओ. द प्राइम मिनिस्टर्स रेजिग्नेशन डायरेक्टली लीड्स टू द रेजिग्नेशन ऑफ ऑल मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर अगर रिजाइन कर जाता है तो सारे जो काउंसिल मिनिस्टर्स हैं उनको अपने आप ही रिजाइन करना पड़ता है. ही शी इज द लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट. प्रेसिडेंट और कैबिनेट के बीच में लिंक का काम कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द पार्लियामेंट. ही शी डिटरमिन्स द डेट्स ऑफ हिज मीटिंग एंड इट्स प्रोग्राम फॉर द डिसेशन. ही शी रिप्रेजेंट्स द कैबिनेट एज अ होल अनलाइक एनी अदर मेंबर्स ऑफ द गवर्नमेंट. प्राइम मिनिस्टर ही सब जो पूरे सेशंस जो होते हैं दोनों वहाँ पर पार्लियामेंट में उनका सारा देख रेख उनके हेड होते हैं वो सारा देखते हैं. कैबिनेट में कोई भी अगर मेंबर वहाँ पर होल अनलाइक एनी अदर मेंबर्स. कोई भी मेंबर को ये राइट नहीं है सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को राइट है. And in international relations, the Prime Minister regarded as the chief spokesman, spokeswoman of the country. Naturally, international जो relationship होते हैं उसमें भी Prime Minister को full right होता है. वो chief होते हैं spokesman और spokeswoman of the country. He, she statements are statements of the policies of the nation. If he, she is also the chairman of the Planning Commission, which is an extra constitutional advisory body. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड एडवाइजरी बॉडी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइजरी बॉडी है उसको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं बट प्राइम मिनिस्टर के बोलने के बाद. देर आर थ्री रैंक्स ऑफ मिनिस्टर्स इन द काउंसिल. कैबिनेट मिनिस्टर्स होल्ड द हाइएस्ट रैंक फॉलोड बाय मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर. ऑल मिनिस्टर्स मस्ट बी मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट और मस्ट बी इलेक्टेड और टू विद इन 6 months ऑफ अपॉइंटमेंट. नाउ येस अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज कैबिनेट गवर्नमेंट. इज कैबिनेट गवर्नमेंट इज वॉट? इट इज द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट मीन्स दैट द काउंसिल मिनिस्टर्स इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट. काउंसिल मिनिस्टर जो अभी जो भी प्रॉब्लम पार्लियामेंट में होगी उनको फेस करने के लिए कलेक्टिवली दे आर रिस्पॉन्सिबल. कोई भी अगर उन्होंने चीज बिल पास किया या कुछ भी बात हुई वोटिंग करी जो भी करा तो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं. एंड वंस अ डिसीजन इज टेकन बाय द कैबिनेट ऑल द मिनिस्टर्स आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट डिसीजन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज. इफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट पासेज अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस. अगर नो कॉन्फिडेंस वोट पास हुआ तब भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिम्मेदार होंगे बिकॉज दे आर ऑल यूनाइटेडली डूइंग दैट. तो एक ही कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता. इन दैट केस द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर हैज टू रिजाइन. और अगर इसमें कोई गड़बड़ी हुई तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ प्राइम मिनिस्टर को भी रिजाइन करना पड़ेगा.
एंड द गवर्नमेंट इज ऑल्सो इज अनसरेबल टू द पीपल ऑफ दो द रिपल. अब गवर्नमेंट को अनसरेबल है बिकॉज वी हैव अपॉइंटेड देम एज द पीपल ओवर देयर. द पार्लियामेंट हैज वेज टू कंटिन्यूसली सुपरवाइज एंड कंट्रोल द वर्किंग. और पार्लियामेंट को फुल राइट है उनको सुपरवाइज करना है, कंट्रोल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की वर्किंग को कंट्रोल करना उनकी जिम्मेदारी है. इट कैन ऑल्सो कॉल फॉर अटेंशन नोटिस टू आस्क मिनिस्टर्स फॉर क्लैरिफिकेशन ऑन इशू. कोई भी इशू में कोई किसी भी बात में गड़बड़ी हुई तो दे हैव टू क्वेश्चन, दे हैव टू आंसर that why they have done this thing wrong. Council of Ministers depend upon the Parliament for passing the laws. The finance of the country are under the control of the Parliament as well. The Council of Ministers cannot spend any money or levy. Council of Ministers कोई भी पैसा या कोई भी टैक्स नहीं लगा सकते जब तक कि पार्लियामेंट उसका अप्रूवल नहीं देगा. अपनी मनमानी वो नहीं कर सकते. दो दिस सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेज द गवर्नमेंट मेक्स श्योर दैट वन ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉट मोर पावरफुल देन अदर. इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द पावर्स आर डिवाइडेड अमंग द थ्री ऑर्गन्स, द पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी. यहाँ पर जो पार्लियामेंट है उसको बहुत इक्वली डिवाइड करा हुआ है ताकि कोई भी गलत रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा. सो इट इज़ डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी. सो दिस इज द चैप्टर. थैंक यू.